तो मित्रों चलिए हम चलते हैं अपने चैप्टर में जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। हमारे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है वो है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय योग्य। इसमें हम एक बार किसी कोई वस्तु अगर नष्ट हो जाती हो तो उसे पूरा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड पे हमारा आता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। मित्रों ये क्वेश्चन आंसर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक होने वाली है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, जिसमें है उत्तरांचल। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तरांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो इसमें हमारा है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो वो हमारा राज्य है झारखंड। झारखंड में काली मृदा पाई जाती है। तो ये हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं अपने 30 शब्द में देना है जिसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा तीन राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। उत्तर में है हमारे, जैसा कि नाम से पता चलता है, काली, इसलिए काली मृदा काला रंग का होता है। इन्हें रेगर मृदा भी कहा जाता है। ये लावाजनक शैलों से बनती है। ये मृदाएँ खासकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों पर पाई जाती है। सौराष्ट्र मतलब वही हमारा मुंबई का क्षेत्र जो होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है काली मृदा। कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा तीन मुख्य विशेषताएं क्या है। तो इसमें हमारा आंसर है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह मृदा हिमालय के तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। इसका मतलब हमारा यह है कि ये जो मृदा है वो पहाड़ी क्षेत्रों से सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहा कर लाए गए मलबे से बना है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी की ऊपर जाते हैं की ओर जाते हैं मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। फिर अगर जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होते हैं, ये मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फॉस्फोरस और चूना युक्त होती है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। अक्सर ये मृदाएं हमारे उत्तर प्रदेश, दिल्ली से होते हुए जाती हैं। जहाँ तक गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान है, वहाँ पर ये मृदाएँ अधिकतर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। इसमें हमारा आंसर है कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि मृदा का कटाव और उसके बहाव को की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। बहाव किसके, जैसे जल वायु के द्वारा बहाव हो जाता है, मृदा का अपरदन उसे कहा जाता है। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। वो है कि पर्वतीय ढालों पर सर्वोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई भी कहा जाता है। पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर और नालिका अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है। इसमें बड़े खेतों में पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाई जाती है। ये बानों द्वारा जनित बलों को कमजोर करती है। फिर पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध और नलिकाओं के फैलाव को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव
और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दे। तो इसमें हमारा आंसर है जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य वनस्पति जगत प्राणी जगत पशुधन और मत्स्य जीवन आदि। अजैव संसाधन वे संसाधन है जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टाने एवं धातुएं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसका क्या कारण है? हमारे ये उत्तर है भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है। कुल भूमि में से 93% भाग के ही उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। कुल प्राप्त भूमि में से 46.6% भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, 22.5% भूमि पर वन है और 13.8% भूमि बंजर है तथा कृषि अयोग्य भूमि है। 7.7% भूमि परती है तथा 4.8% भूमि पर चरागाह और बागान है। 4.6% बंजर भूमि है। वर्ष 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि तो हुई किंतु यह वृद्धि बहुत मामूली है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भूमि पर वन होने चाहिए, किंतु भारत में बढ़ती जनसंख्या अधिक औद्योगिकी के कारण निरंतर वनों के कटाव से वन भूमि में अधिक वृद्धि नहीं हो पाई है। लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, अधिक वन पर्यावरण को संतुलित कर रहे हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं तथा भूमि को निम्नीकरण से बचाते हैं, इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वनों के प्रतिशत को बढ़ाना जरूरी होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा प्रैक्टिकल है, इसमें आप खुद करेंगे, इसमें कुछ बताना नहीं है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हमारी हुई कुछ भी त्रुटि के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।